बाद इनफर्टिलिटी जो कि जो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा, और इसमें जो ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर भी इनफर्टाइल हैं, जो कि जो चाइल्ड वगैरह है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं किसकी, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, किसके बावजूद, अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहैबिटेशंस, जो कोपिलेशन वगैरह है यदि वो अनप्रोटेक्टेड भी यूज करते हैं तो भी, मतलब उनके अंदर कुछ नेचुरल जो प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिलती हैं। रीजंस कई हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, शारीरिक कॉन्जेनिटल का मतलब हो सकते हैं, जो जन्मजात हों, डिजीज भी हो सकती है उनके, कुछ ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर इम्यूनोलॉजिकल का मतलब है शारीरिक जो इम्यून सिस्टम है वो भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कारण भी वहाँ पे हो सकते हैं। इंडिया के अंदर जो काफ़ी बार ब्लेम है जो फीमेल के ऊपर किया जाता है कि इन बीमारियों से जो भी इनफर्टिलिटी है उसका मेन कारण है, जो बांझपन का कारण फीमेल होती है, लेकिन साइंस थोड़ा उल्टा मानता है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो मेल पार्टनर के अंदर देखने को मिलती हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कुड हेल्प इन डायग्नोसिस, तो काफ़ी जो हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो आज के टाइम पे इनफर्टिलिटी वो जो कोई क्लिनिक्स होते हैं वो भी इन बीमारियों का, इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको पता लगाने के लिए और इनका कोरेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो इनसे यूज करने के लिए जो इनफर्टिलिटी है उससे बचाव के लिए कुछ टेक्निक हैं वो यूज की जाती हैं, जो कि ART के अंदर आ जाती हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART इसके शॉर्ट फॉर्म रहती है। इसके अंदर काफ़ी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब तो लैब के अंदर जो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम बोलते हैं, IVF, इम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, जैसे ही इम्ब्रियो स्टेज तक पहुँच जाता है तो उसको यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर इसमें जायगोट को ट्रांसफर किया जाता है, अलग अलग टेक्निक है, इसमें गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है, जिप्ट है, ये गिफ्ट है। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUTs के अंदर, यूट्रस के अंदर है वो ट्रांसफर किया जाएगा जो भी मटेरियल है, एम्ब्रियो वगैरह है। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जो ओम का जो स्पर्म है उनके अंदर, ओम का जो साइटोप्लाज्म उनके अंदर स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो स्पर्म है उनको आर्टिफिशियली वेजाइनल ट्रैक या यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तो यूट्रस के अंदर भी इंसेमिनेशन है वो किया जाता है, ये एब्रीवेशंस भी हैं, और ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग जो मेथड है वो यूज की जाती हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले IVF, तो फर्टिलाइजेशन है इसमें आउटसाइड द बॉडी, लैब के अंदर की जाती है फर्टिलाइजेशन, जो फ्यूजन है, और बाद में जो इम्ब्रियो है उसको ट्रांसफर किया जाता है, पॉपुलरली नोन एज, और इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं। प्रोसीजर क्या रहता है इसका, जो ओवा है वो वाइफ से या डोनर से, फीमेल से वो लिया जाता है, और स्पर्म है वो हस्बैंड या डोनर से लेंगे, उनको कलेक्ट किया जाता है और इंड्यूस्ड टू फॉर्म जायगोट अंडर साइमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में उनको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है कि उनके बीच में जो फ्यूजन हो के जायगोट बने, जायगोट और अर्ली इम्ब्रियो लगभग 8 साल जो स्टेज तक, ब्लास्टोमर तक, ये फिर जायगोट को भी फिर ट्रांसफर किया जाता है, या तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यदि 8 साल स्टेज से पहले है तो जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं हम, जिसको जिप्ट बोला जाता है, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और या फिर इम्ब्रियो यदि ज़्यादा स्टेजेज में पहुंच गया है, 8 साल या 8 साल से ज़्यादा में, तो इसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, तो इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं, टू कम्प्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो इनसाइड द मदर वोम वो कम्प्लीट होती है। इम्ब्रियोज फॉर्मड इन बाई इन वीवो फर्टिलाइजेशन विद इन द फीमेल, तो जो आगे की जो इम्ब्रियोज हैं वो इन वीवो का मतलब इनसाइड द बॉडी वो देखने को मिलती है फीमेल के अंदर, और यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कांट कंसीव, तो उनमें ज़्यादा यूज किया जाता है जो कि प्रेगनेंसी के लिए जहाँ पे सुटेबल कंडीशन वगैरह वो नहीं होती, ओम वगैरह वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। उसके बाद हैं कुछ टेक्निक, जिफ्ट, ISI, AI एंड IUI, तो जिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट क्या है, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, इसके अंदर गैमेट्स हैं जो ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, डोनर से एक ओवम वो कलेक्ट किया जाता है और उसको फेलोपियन ट्यूब है दूसरी फीमेल के अंदर वो ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि जो फीमेल है जिसके अंदर ये ट्रांसफर किया गया है उसके अंदर कुछ जो ओवम है वो प्रोडक्शन नहीं होती है, कैन नॉट प्रोड्यूस वन, वही है कि जो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, बट कैन प्रोवाइड सुटेबल इन्वायरमेंट, लेकिन जो आगे फर्टिलाइजेशन और फर्दर डेवलपमेंट के लिए जो इन्वायरमेंट है वो हेल्थी प्रोवाइड कर सकती है, तो उनमें टेक्निक यूज की जाती हैं।
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है, टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन लैब, लैब के अंदर एम्ब्रियो बनाया जाता है, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन टू ओम, जिसको स्पर्म को हम डायरेक्ट ओम के अंदर है इंजेक्ट करते हैं। इनफर्टिलिटी केसेज इन मेल पार्टनर कोरेक्टेड बाई, मेल पार्टनर के अंदर जो भी इनफर्टिलिटी है उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है, आर्टिफिशियल सेमिनेशन, इंसेमिनेशन ए आई टेक्निक होती है। इसके अंदर जो सीमन है वो हस्बैंड से या फिर किसी डोनर से वो कलेक्ट करेंगे और उसको आर्टिफिशियली वजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और IUI या फिर यूट्रस के अंदर भी इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे इसका नाम हो जाता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद कंक्लूजन क्या रहता है, ऑल ऑफ दीज टेक्निक्स रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रोसीजन हैंडलिंग। तो इसमें बहुत ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी प्रोफेशनलाइज स्पेशलाइज डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन, महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से बहुत महंगी हो जाती है। प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन वेरी फ्यू सेंटर्स इन कंट्री, इंडिया के कुछ ही सेंटर में ये अवेलेबल है। बेनिफिट्स केवल लिमिटेड लोग ही इसको अवेलेबल कर सकते हैं, क्योंकि महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे रिलेटेड कुछ इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर भी जुड़े होते हैं, जो कि इनको ठीक ढंग से यूज करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और अल्टीमेट एम क्या है, चिल्ड्रन का ही है। तो हम इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो ऑरफेंड हैं, डिस्टिंक्टिव चिल्ड्रन हैं, वो देख सकते हैं, तो सर्वाइव टिल मैच्योरिटी, तो हो सकता है कि वो मैच्योरिटी तक ना भी सर्वाइव करें, यदि उनका ठीक ढंग से केयर वगैरह है यदि नहीं की जाए। तो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे ऑरफंड हाउसेज हैं, अनाथ आश्रम हैं, जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी यदि ठीक ढंग से संभाल नहीं की जाती है, तो वो हो सकता है मैच्योरिटी से पहले ही उनकी डेथ हो जाए। तो अवर लॉज, जो हमारा लॉ है, वो लीगल परमिशन देता है कि हम ऐसे बच्चों को अडोप्ट कर सकते हैं। और मेथड फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, जो माँ बाप पेरेंटहुड या फिर जो बच्चे पालने में, जैसे बच्चे उनके खुद के नहीं होते हैं तो उनमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो ऑर्फन हाउसेज में से उनको अडोप्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस के साथ यदि मैनिपुलेशन की जाती है तो कई बार कारगर सिद्ध होती है, लेकिन कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। तो ये हम सोशल लॉ है, सोशल जो तरीकों से भी जो पेरेंटहुड है वो किए जा सकते हैं।